हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स मैजिक पर। आज मैं जो रेसिपी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है कॉर्न कबाब। तो चलिए हम कॉर्न कबाब बनाना शुरू करते हैं। कॉर्न कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप बॉइल्ड कॉर्न, जिसमें से मैंने पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है, और 2 बॉइल्ड पोटैटो जिसको मैंने मैश कर लिया है, और 1 कटी हुई प्याज, 2 चम्मच कटी हुई धनिया, 2 चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च, 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर, 2 कटी हुई मिर्च और 1 चम्मच ग्रेटेड लहसुन, 3 चम्मच राइस फ्लोर लिया है मैंने यहाँ पे। आप चाहे तो ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं जिससे ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, और 1 चम्मच मैंने रोस्ट किया हुआ बेसन लिया है यहाँ पर। एक चम्मच लेमन जूस, इसके जगह आप चाहे तो खटाई भी यूज़ कर सकते हैं। मसाले में हमें चाहिए 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया और नमक स्वाद अनुसार। चलिए हम कॉर्न को ब्लेंड कर लेते हैं। इसको मैंने जार में भर लिया है। थोड़ी से कॉर्न में बचा के रख रही हूँ जो मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ। देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। इसको ज़्यादा हम पेस्टी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से इसको ब्लेंड करना है विदाउट वाटर। अब इसको हम बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। साथ में हम मिक्स कर लेंगे बॉइल्ड पोटैटो, राइस फ्लोर, बेसन, लेमन जूस और बाकी बची हुई चीज़ें भी ऐसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। जैसे ही मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं बचे कॉर्न को यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इससे कुछ अलग ही टेस्ट आता है कबाब में, इसलिए बाकी हुई चीज़ें भी हम बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं आई एम श्योर उनको बहुत ही पसंद आएगी ये डिश, और बनाने में भी बहुत ही सिंपल है। देखिए हमको पहले इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डाल रहे हैं, जो मिक्सर है पेस्ट है उसी से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमको इस मिक्सचर को 10 से 12 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। अब मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हाथों पे तेल लगाकर इसको कबाब की शेप देंगे। आप चाहे तो सीख जो मिलते कबाब बनाने वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से हम इसको कबाब के शेप देंगे। आप चाहे तो एक बड़ा सा पोर्शन लेके उसके अंदर डायरेक्ट स्टिक डाल के भी प्रेस करके कबाब का शेप दे सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसको कबाब शेप दे रही हूँ। इसको थोड़ा प्रेस करना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो तेल में फूटने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। बिल्कुल इस तरह से हम दबाते हुए इस कबाब का शेप देंगे। देखिए कितना अच्छी तरह से कबाब बन गया। इसी तरह से बाकी मिक्सचर के भी हम कबाब रेडी कर लेंगे। अब मैंने तेल गरम कर लिया एक पैन में। तेल गरम हो जाने के बाद चलिए हम अब फ्राई कर लेते हैं कबाब को। अगर आपको बहुत तेल खाना पसंद नहीं है तो आप तवे के ऊपर भी हल्का सा तेल डाल के फ्राई कर सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव में बेक भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से बाकी बचे हुए कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे।
देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जितना ये देखने में प्यारा है उतना खाने में भी बहुत टेस्टी है। देखिए हमारा कबाब रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।